दूजे पासे कैप्टन नाल नाराजगी खत्म होने तो बाद धरने विच अज नवजोत सिंह सिद्धू ने भी शमूलियत की। हालांकि पहला दिल्ली बॉर्डर के उत्ते पुलिस के वलों सिद्धू और राजा वड़िंग नूं रोकया गया, पर बहसबाजी तो बाद सिद्धू जंतर मंतर धरने ते पहुंचे जिथे उन्होंने केंद्र सरकार के उत्ते जम के निशाने साधे। उन्होंने कहा कि हर सूबे के अपने मसले होंगे ने जिन्होंने सुलझाने लिए मुख्यमंत्री के समेत बाकी नुमाइंदियां की चोण की जाती है, पर मोदी सरकार इन चुने हुए नुमाइंदियां की आवाज़ न दबाउण दे विच लगी हुई है। सरकारों की नीयत में आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। और आज मैं हिंदी में भी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म क्या है। मैं जानता हूं कि गूंगी बहरी सरकार तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। ये धमाका ही है, ये मत समझिएगा कि ये 50 लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के पीछे 2-2 लाख पंजाबी बोलता है इस मंच से, 2-2 लाख पंजाबी। और अगर कोई एमपी बैठा है तो 15 लाख लोग उसके पीछे बोलते हैं। तो ये हीरे हैं, ये पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे हैं। मैंने बात नियत की है, नियत की। नियत साहब नीति में दिखती है, और नीति सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है मोदी सरकार ने। आप अगर ये सोचते हो कि ये कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हक में उन्हें रिमोट कंट्रोल देने के लिए कानून बनाए गए हैं। और मैं आज डंके की चोट पे ये कहता हूं, छाती ठोक के ये कहता हूं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अंबानी और अडानी को पंजाब में पैर नहीं धरने देंगे।